किया झारखंड दौरा, पहली बार प्रभारी बनने के बाद मंथन हुई, बैठक हुई, दौरा भी हुआ कई क्षेत्रों का, क्या कुछ देखने समझने को मिला अभी? कोई मंथन नहीं, कोई बैठक केवल परिचय की बैठक, कोई मंथन अभी पहले राउंड में नहीं। पहले राउंड में तो कार्यकर्ता से रूबरू हुए, कार्यकर्ता को से खुद को भी रूबरू हुए, उनसे भी हम रूबरू हुए। इसके अलावा आज भी जो ये बैठक थी केवल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों के संयोजकों के साथ परिचय की बैठक थी। नहीं, कोई टास्क नहीं, टास्क तो सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। वो ये इतना बड़ा टास्क है कि अगर हमने उसको पूरा कर लिया तो 80% जनता से हमारा संपर्क सीधे हो जाएगा। झारखंड और भाजपा, मतलब क्या अनुभव किए इतने दिनों में? झारखंड में भाजपा कमजोर बिल्कुल नहीं है, चुनाव की हार जीत तो अपनी जगह अलग होती है, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 14 लोकसभा सीट जीतेगी, अगली सरकार भी प्रदेश में भाजपा बनेगी। लेकिन जिस तरह से यहां पे पॉलिटिक्स के अंदर में जो गुटबाजी जो जिस तरह से है, तो उस पर किस तरह का ये गुटबाजी आपके एंगल से होगी, आपकी निगाह से होगी। बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता एक है, और जो कार्यकर्ता एक है बूथ पर, तो चुनाव का परिणाम भी भाजपा के अनुकूल आएगा। सेवा पखवाड़ा चल रहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमको सेवा पखवाड़ा का टास्क दिया हुआ है, वो टास्क हम पूरा कर ले 2 अक्टूबर के बाद। 27 को बैठक होने वाली है, 27 को केवल प्रदेश के नव नियुक्त पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको अपने अपने क्षेत्र में जाकर कैसे काम करना है। कुछ लोगों को पहले कह दिया गया कि 3-4 दिन के लिए अपने प्रभार वाले प्रदेश में जाओ, कार्यकर्ताओं से बात करके आओ, फिर यहाँ निर्णय लेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो तकरीबन 3 घंटे तक बैठक चली है प्रदेश पदाधिकारियों की, अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। आप ये तस्वीर देख रहे थे जो कि झारखंड प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 5 दिवसीय जो दौरा था वो परिचयात्मक बैठक के साथ हुई है, चाहे वो धनबाद में, बोकारो में, देवघर में, चाहे दुमका में, तमाम जगहों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और परिचय एक दूसरे से किया है। अगली बैठक यानी अगले दौरे में जो है जो राज्य की राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा होगी, संगठन को किस तरह से आगे ले जाना है इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जो अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है वो अगर पूरे कर लिए गए तो 80% लोगों तक हम सीधे तौर पर पहुंच जाएंगे, और जो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें 14 के 14 सीट कैसे जीते जाए उसको लेकर के हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की है। अब देखना होगा कि ये जो दौरा है वो कितना प्रभावकारी रहा है, क्योंकि प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ 3 घंटे तक अगर मंथन हुई है तो जरूर कई बातें जो है वो सामने आई है। स्पष्ट तौर पर पत्रकारों जब उनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि गुटबाजी कैसे खत्म होगी पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट नज़र आते हैं, पार्टी में फिलहाल कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब मिलकर काम करेंगे और 2024 का मिशन जो है उसको पूरा करेंगे। तो अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है आने वाले दिनों में, जब नया नेतृत्व मिला है यानी कि प्रभारी मिला है, संगठन महामंत्री मिला है, तो आज के मंथन के बाद बीजेपी कितना मजबूत होकर के एकजुट होकर के आगे काम करता है ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।